दोस्तों हर यूट्यूबर का सपना रहता है कि उसका चैनल कब मोनेटाइज होगा, तो वो भी मेरा भी था। तो फाइनली वो सपना पूरा हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। कल आफ्टरनून 5 PM में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद सब काम पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी बहुत सारा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे को मोनेटाइजेशन मतलब बिफोर मोनेटाइजेशन मेरे को क्या क्या करना पड़ा, वही दोस्तों आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। आप लोग बहुत सारा ऐसा है, मेरे को बहुत सारा यूट्यूबर्स फ्रेंड बताया कि कैसे जल्दी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट करें, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, ताकि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए बहुत ही जल्दी जल्दी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज बताऊंगा, पूरा ध्यान में वीडियो को देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग सिर्फ YouTube में फोकस करते हैं तो YouTube में वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा बात है, जैसे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। पहले मिलता था इसीलिए थोड़ा बहुत कर देता था, ठीक है। तो आप लोगों को कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहिए, सबसे बेसिक जो मतलब मेन जो आप लोगों को प्रायोरिटी देना है यही देना है, ठीक है। वीडियो एक दिन या दो दिन के अंतर अंतर तो अपलोड करना ही है, और अगर बहुत ही टफ हो रहा है तो वीकली बेसिस में एक वीडियो अपलोड करिए, ठीक है। अगर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो डिपेंड ऑन यू कैसे करेगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करना है। और मोनेटाइजेशन में आप लोग सब बहुत सारे का प्रॉब्लम ये रहता है कि मेरा अगर ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, प्लेलिस्ट से ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो क्या मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा, तो ये सब का बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए जैसे कि आप लोग YT स्टूडियो में जाकर चेक करते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोगों का ट्रैफिक जो होता है एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो वीडियो है वीडियो शेयर कर देता है, इधर उधर शेयर कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोगों का एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन पहले जब आप लोग यूट्यूब के लिए स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग का वीडियोज में व्यूज कैसे आएगा, ठीक है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म में जाके अगर आप लोग वीडियो को शेयर करें तो वो वीडियो अगर कोई आपका वीडियो को नहीं देखेगा तो वो दिक्कत होता है। इसीलिए वही सबको शेयर करिए जो आप लोगों का जो वीडियो है वीडियो को पसंद करता है, ठीक है। तो करिए, करने के देखिए उसके फायदा आपको होगा, आप लोगों को होगा, क्योंकि शेयर करने से आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक बढ़ता है लेकिन इसमें आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत करिए, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ज्यादा कर लिया और 80-90% आपका ट्रैफिक वहां से ही आ रहा है तो उसमें दिक्कत हो सकता है मोनेटाइजेशन के टाइम, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लिमिटेशन में करना है। आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का चैनल में टोटल जो ट्रैफिक है, जैसे आप लोग लस्ट 365 डे करेगा ना, तो वहां पर देखिएगा आप लोग का ट्रैफिक आ रहा है एक्सटर्नल ट्रैफिक से, अगर ओवरऑल मतलब पूरा चैनल में अगर 20% से नीचे आएगा और प्लेलिस्ट से आपका ट्रैफिक 50% से भी कम आएगा तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरा चैनल 2 दिन के अंदर ही हो गया, तो 2 या 3 दिन के अंदर कैसे हो गया ये आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोग का भी चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये सीक्रेट है, इसीलिए आप लोग को वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो बता दूंगा मैं, बहुत सारे का आपको आप लोग देखा है कि बहुत सारे का चैनल रिव्यू में पड़ा रहता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तो उसमें काफी सारा रीजन भी रहता है, और किसी किसी का तो 1-2 दिन में भी हो जाता है, किसी का 7-8 दिन 10 दिन 12 दिन भी लग जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल ट्रैफिक आप लोगों को तो ज्यादा नहीं करना है, करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है, और यूट्यूब सर्च और सजेस्टेड वीडियो का ट्रैफिक ज्यादा करिएगा तो आपका चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे क्योंकि मेरा भी सजेस्टेड ट्रैफिक से ज्यादा वीडियो आ रहा था, तो सजेस्टेड ट्रैफिक से कैसे व्यूज आए, व्यूज लेके आए, तो इसमें आप लोग बहुत सारा ऐसा मेरे को बोलता है कि भाई सजेस्टेड वीडियो से कैसे ट्रैफिक लिया, तो सजेस्टेड वीडियो से ट्रैफिक ले आने के लिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो है कि आप लोग का चैनल का जो नाम है वो नाम आप लोगों का हर वीडियो का अंदर जो टैग रहता है, टैग सेक्शन जो रहता है वहाँ पर आप लोगों को डालना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा ये मैंडेटरी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो आप लोगों को ये देख लेना पड़ेगा कि वो वीडियो यूट्यूब में कौन कौन और बनाया है, ठीक है। उसके साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्या क्या टैग दिया है नहीं दिया है उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा, तभी देखिएगा उसका जो व्यूज है वो वीडियो जिस लोग क्लिक करेगा तो वो वीडियो का नीचे YouTube आप लोगों का वीडियो देगा, क्योंकि YouTube का जो मशीन लर्निंग जो सिस्टम है वो आप लोगों का जो वीडियो है वही वीडियो को उसी वीडियो का नीचे देगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक्स है, बहुत सारे को ये पता नहीं है, बहुत सारे को पता है तो बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका व्यूज एवरेज बेसिस में जो व्यूज आएगा ना उसी बेसिस में दूसरा चैनल का वीडियो जो सर्च करके बंदे देख रहे हैं उसी वीडियो को नीचे देगा। इसका मतलब क्या, होपफुली आप लोग समझा, नहीं तो और भी आराम से समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बंदा का वीडियो बनाया तो उसका
1000 करके व्यूज आ रहा है, ठीक है, एवरेज, और आपका भी 1000 करके एवरेज व्यूज आ रहा है, करेक्ट। तो अभी क्या है, उसका जो जितना सारा टैग आप देख लिया कि वो मतलब वो बंदे को टारगेट कर लिया, आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। तो 1000 करके व्यूज आ रहा है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि 1000 जो वीडियो में उसका जो व्यूज आ रहा है, तो वो वीडियो का नीचे कोई अगर उस वीडियो को जाकर सर्च कर देखेगा तो उस वीडियो का नीचे आपका वीडियो जरूर सर्च में मतलब सजेस्टेड में दिखाएगा, मतलब उस वीडियो का नीचे आपका वीडियो दिखाएगा, ठीक है। अगर ऐसे मतलब आपका वीडियो दूसरा किसी चैनल का वीडियो का नीचे सजेस्टेड में आएगा तो उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपका व्यूज बहुत ही ज्यादा आएगा, लाइफ टाइम आएगा, इसमें आपका वीडियो वायरल होने का बहुत ही ज्यादा संभावना रहता है। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि सजेस्टेड ट्रैफिक से वीडियो वायरल होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए फोकस इसमें ज्यादा करिए। जितना सारा ट्रैफिक है यूट्यूब सर्च तो बहुत ही बेहतर है, ब्राउजिंग फीचर्स तो आप लोगों को पता ही है, होम यूट्यूब का जो होम बार है वहाँ से लोग पता चल जाएगा। तो ये सब खुलने का मेरा मकसद यही है कि आपका ओवरऑल जो चैनल है चैनल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ से आप लोग ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन आपका वीडियो को देख रहा है, तो ये सब आप लोग को पता चल जाएगा। कौन कौन वीडियो देख रहा है इसका मतलब यही नहीं है कि कौन कौन मतलब इंडिविजुअली जाकर आप ट्रैक करें, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग को ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जो आप लोग मैं बता रहा था, मोनेटाइज करने के लिए उसमें आप लोगों को सबसे जो मेन काम करना है, जैसे आप लोग चैनल को मोनेटाइज में दे दिया, रिव्यू में देना पड़ता है, तो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में अलग एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि उसको प्रोसेस कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहले जैसे आप लोग मोनेटाइजेशन में दे दिया, ठीक है, तो आप लोग इसमें इसके बाद आप लोग वेट कर रहे हैं, एक दिन हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, एक दिन हो जाने के बाद ही तुरंत एकदम, ठीक है, 24 घंटे जैसे ओवर हो जाएगा उसके बाद ही तुरंत आपको क्या करना है, वहां पर देखिएगा मोनेटाइजेशन जो पेज है वहां पर देखिएगा जो कोई भी मतलब वहां पर जो सेंड रिपोर्ट बोल के ऐसा है तो वहां पर आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब कोई क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया तो पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं होता है तो वहां पर कुछ मैसेज दे देता है तो पता चल जाता है, इसी सब से भी है, तो वहां पर जो सेंड रिपोर्ट वगैरह जो ऐसा नीचे रहता है तो उसमें क्लिक करके वहां पर आपको सिर्फ लिख देना पड़ेगा कि माय यूट्यूब चैनल कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4K फर्स्ट टाइम बट माय चैनल नॉट मोनेटाइज्ड, प्लीज चेक एंड प्रोसेस माय चैनल, ऐसा करके लिख देना है, ठीक है। पहले ऊपर में दे देना है कि डियर यूट्यूब टीम, ऐसा करके दे देना है। और आप लोग इससे अलावा आप लोग और भी एक जगह से कर सकते हैं, उसमें भी बहुत जल्दी हो जाए, वो क्या, वो है आपका ट्विटर, ट्विटर में भी आप लोग करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को यूट्यूब इंडिया को टैग करके करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसीलिए ये मतलब करना पड़ता है क्योंकि देखिए उन लोगों के पास बहुत सारा कम रहता है, ठीक है, तो वो लोग मतलब कभी कभी क्या है वो लोग स्किप कर जाते हैं, इसका मतलब यही नहीं कि आप लोग का चैनल को ज़्यादा दिन फेल कर दिया और मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा वो लोग को भी हिंट देना पड़ेगा कि भाई मैं भी हूँ, मेरा चैनल देखो, ठीक है। तो जैसे ही दे देता है वो लोग का बहुत सारा ऐसा इंप्लॉय रहता है, तो कोई ना कोई इंप्लॉय आप लोग का जो चैनल जो दिया हो पर वो तुरंत देख लेगा और आपको रिवर्ट बैक भी कर देगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी कर देगा। तो उसके बाद देखिएगा बहुत ही जल्दी मतलब एक दो दिन के अंदर ही, एक दिन में हुआ था, दो दिन के अंदर देगा, तो सुबह अगर देगा तो देखिएगा इवनिंग में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया था, मतलब हो जाएगा। ऐसे ही मैं किया था, ठीक है, जैसे ही मेरा 1 डे कवर हो गया, मतलब 1 डे होने के बाद ही मैं ऐसा किया था उन लोगों को, तो उसके बाद मेरा हो गया था। और उसके अलावा और भी एक कर सकते हैं आप लोग, जीमेल में भी जाके कर सकते हैं, क्रिएटर सपोर्ट बोल के है, ठीक है, क्रिएटर सपोर्ट में भी आप लोग मेल टाइप करके वहां पर दे सकते हैं। तो ये सारा काम आप लोगों को करना है सिर्फ मोनेटाइजेशन में देने के मतलब रिव्यू में देने के बाद ही करेगा तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ये बहुत ही लाख का ऊपर मैटर करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत परेशान भी करना पड़ेगा, मतलब राइटिंग करके उन लोगों को भी मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब का कंपटीशन कितना हाई हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो इंडिया में तो बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर्स अभी बन गया, तो इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा उस लोगों को थोड़ा हिंट्स आप लोगों को देना पड़ेगा। अभी देखिए वॉच टाइम जो बढ़ाने का जो बात बोल रहा हूँ, तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत सारा ट्रिक्स टिप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सारे का सारा वॉच टाइम कैसे जल्दी जल्दी गेन होता है, सब्सक्राइबर्स कैसे जल्दी जल्दी गेन होता है, ये सब आप लोगों को जानने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मेरे से बातचीत कर सकते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और मेरा अलग से ग्रुप भी है वहां पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, दिखा दूंगा, बहुत सारा टिप्स ट्रिक्स है यूट्यूब का बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा जो बात है आप लोगों को कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो तक मिलता है आप लोगों के साथ कोई एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल में नया है तो भाई भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे आप लोगों को यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है, और लाइक भी कर देना।